एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आशुतोष टॉक से विवादों में घिर गए हैं। एक ऑडियो चैटिंग वायरल हो रही है जिसमें एक दावेदार अध्यक्ष बनने के लिए 5 लाख रुपए तक देने की बात कह रहा है। वहीं उसके उत्तर में लिखा गया है कि तुम्हारा एक साथी 9 लाख रुपए देने को रेडी है। दावा किया जा रहा है कि आशुतोष टॉक से पद देने के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ ही एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि आशुतोष टॉक से किसी वरुण से बात कर रहे हैं। इंदौर वाले जिलाध्यक्ष ने इसको बनना है वरुण, इसमें 25 लाख रुपए और एक अनुवाद ही भोपाल में थोड़ा और ज्यादा भोपाल में वेट थोड़ा और ज्यादा जाएगा। उज्जैन वाला, उज्जैन वाले ने 10 लाख रुपए एक ने, एक ने 5 लाख रुपए मेरे को, एक ने 10 लाख रुपए इनको और के उसने संपर्क वो कितने दे रहा है भोपाल का बजट थोड़ा ज्यादा जा रहा है। कितना व्यवस्था करो कुछ, मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। कितना व्यवस्था बनवारी दे सकता हूँ? 30 नहीं रहे, 50 लेंगे गाड़ी। बजट अपन कुछ मदद मैं भी करूंगा, फाइनेंस गाड़ी में करा दूंगी, किससे बचा दूंगा। आप तो उसकी चैटिंग देख लो और वीडियो ऑडियो सुन लो, उससे समझ में आएगा जब छोटे पद का ये रेट है तो बड़े पद पर क्या देके आए होंगे। 8 महीने में इन्हें क्यों बदला ये भी अब स्पष्ट हो रहा है इस ऑडियो और चैटिंग देख के। एनएसयूआई एक छात्र विंग है कांग्रेस की, और छात्रों को शुरुआत में ये घोटाला और भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग कैसे दें ये सिखा रही है एनएसयूआई। बड़ा पीड़ादायक प्रसंग है, और इस पूरी चर्चा में जो दादा आए ना, कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए दादा कौन है, ये मीडिया के सामने आना चाहिए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।